आज की ताजा खबरों कैबिनेट में बात करेंगे देश भर के तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता को बढ़ाने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही इस बार बिना शोरगुल के मनेगी दिवाली, 1 जनवरी 2022 तक इस राज्य में पटाखों पर लगा है बैन, आखिर कौन से राज्य में लगाया गया ये बैन, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, असमर्थ लोगों का बिजली बिल भरेगी सरकार, कटे कनेक्शन होंगे वापस बहाल, आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही आम आदमी को झटका, पोर्टल से बने कपड़े होंगे महंगे, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 1 अक्टूबर से ये बैंक बंद कर देगा अपना ATM बैंकिंग सर्विस, आखिर कौन से बैंक ने लिया ये बड़ा फैसला, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से ये बैंक बंद कर देगा अपनी ATM बैंकिंग सर्विस। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा है कि उसने डिजिटल बैंकिंग इनिशिएशन प्रोग्राम के कारण 1 अक्टूबर 2021 से ATM बैंकिंग सर्विस को बंद करने का फैसला किया है। बैंक ने 23 जनवरी 2017 को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन यहां पर शुरू किया था। वहीं महाराष्ट्र स्थित बैंक के ATM और डेबिट कार्ड दूसरे बैंक के ATM में काम करेंगे। इसके अलावा दूसरी सर्विस जैसे कि पिन जनरेशन है, फंड ट्रांसफर करना है, मनी स्टेटमेंट है या फिर बैंक इंक्वायरी आदि इंटरनेट बैंकिंग के जरिए या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए उपलब्ध रहेगी, यानी इसमें उपलब्ध हो जाएगी। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के कारोबार को चलाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 22(1) के तहत बैंक को लाइसेंस यहाँ पर जारी किया था। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो दिल्ली में इस बार बिना शोरगुल के मनाई जाएगी दिवाली, 1 जनवरी 2022 तक सरकार ने लगा दिया है पटाखों पर बैन। राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली बिना पटाखों के ही यहाँ पर मनाने वाली है। वही दिल्ली पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी ने 1 जनवरी 2022 तक राजधानी में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही पटाखों की बिक्री पर भी रोक यहाँ पर लगा दी गई। वह कमेटी ने पटाखों पर बैन लगाने का आदेश यहाँ पर जारी कर दिया। वही पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक पटाखों पर रोक लगाने की वजह 2 बताई गई है। पहली वजह कोरोना को बताया गया है। आदेश में लिखा गया है कि दिल्ली में कोविड की एक और लहर आने का खतरा है, ऐसे में अगर पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी जाती है तो लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का जो उल्लंघन है वो होगा। वही दूसरी बड़ी वजह प्रदूषण को बताई गई है। वह आदेश के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है और पटाखे जलाने से ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसके अलावा पटाखों के जलने से प्रदूषण बढ़ने के कई तरह के हेल्थ से जुड़ी समस्या हो सकती है। वही इस आदेश में ये भी लिखा गया है कि पटाखों के जलाने से खतरनाक केमिकल और गैस निकलती है जो वायु प्रदूषण का कारण यहाँ पर बनती है। इससे लोगों के फेफड़े और दिल से जुड़ी बीमारियों को होने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। चलिए बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो 30 नवंबर तक वैध रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट, कोरोना की वजह से सरकार ने दी है सुविधा। अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर RC 30 सितंबर तक एक्सपायर अगर हो रहा है तो परमानेंट लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट की डेट थोड़ी यहाँ पर देरी से अगर आपको मिल रही है तो उन्हें यहाँ पर केजरीवाल सरकार की ओर से बड़ी राहत यहाँ पर दी जा रही है। वही केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस परमिट समेत दूसरे सभी यहाँ पर परमानेंट डॉक्यूमेंट की वैधता अब यहाँ पर 30 नवंबर 2021 तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है। वही परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि आम लोगों की परेशानी को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले और भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। लाइसेंस समेत दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अगले 2-3 महीने तक वैध रहेंगे और विभाग इस बारे में जरूरी आदेश भी जारी यहाँ पर करेगा। वही दिल्ली सरकार के अधिकारी का कहना है कि अभी केंद्र की ओर से डॉक्यूमेंट की वैधता बढ़ाने को लेकर कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर यह फैसला लिया है कि डॉक्यूमेंट को 30 नवंबर तक के बाद ये माना जाएगा। जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस 30 सितंबर को अगर खत्म हो रहा था, अब उन्हें कुछ दिन बाद वेटिंग यहाँ पर मिल रही है, तो ऐसे सभी लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर है, उनका लाइसेंस अब 30 नवंबर तक वैध होगा। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो RBI का बैन हटने के बाद हरकत में आया है HDFC बैंक, जारी किया है रिकॉर्ड 4 लाख नए क्रेडिट कार्ड। RBI द्वारा बैन हटाने के बाद से ही HDFC बैंक तेजी से अपना क्रेडिट कार्ड बिजनेस को आगे बढ़ाने लगा है। HDFC बैंक ने पिछले महीने RBI का बैन हटने के बाद अब तक 4 लाख नए क्रेडिट कार्ड इश्यू यहाँ पर किया है। वही HDFC बैंक बुधवार को HDFC बैंक ने बताया है कि पिछले महीने RBI का बैन हटने के बाद बैंक ने अब तक रिकॉर्ड 4 लाख नए क्रेडिट कार्ड इश्यू यहाँ पर किए हैं। वही HDFC बैंक ने कहा है कि ये नए कार्ड
21 सितंबर 2021 तक इशू यहाँ पर किए गए। HDFC बैंक ने केंद्रीय बैंक की जो नई कार्ड यहाँ पर केंद्रीय बैंक की नई कार्ड जारी करने की लेकर यहाँ पर मिली हरी झंडी के बाद से ही बहुत यहाँ पर आक्रामक रुख इस बैंक ने अपनाया हुआ है, जिसने बैंक के क्रेडिट कार्ड यहाँ पर पोर्टफोलियो को मजबूती यहाँ पर पोर्टफोलियो को फिर मजबूत करने की मदद यहाँ पर इसमें किया हुआ है। बैंक में पेमेंट कंज्यूमर फाइनेंस और डिजिटल बैंकिंग और IT ग्रुप हेड पराग राव ने कहा है कि बैंक अपने क्रेडिट कार्ड अधिग्रहण को और तेज से बढ़ाएगा और जल्द से अपने खोए हुए मार्केट को फिर से हासिल करने का प्रयास ये बैंक करेगा। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो आम आदमी को झटका, कॉटन से बने हुए कपड़े होंगे महंगे। 10 साल की सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची है कपास की कीमतें। आम आदमी के एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल त्योहारों से पहले कॉटन से बने हुए कपड़े महंगे हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमत 10 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसी साल उत्पादन की उम्मीद से यहाँ पर इस साल उत्पादन उम्मीद से कम होने के चलते कपास की कीमतों में तेजी बनी हुई है। आपको बता दी कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। अगले दशहरे यहाँ पर अगले कुछ दिनों में यहाँ पर दशहरा का त्यौहार भी आने वाला है। इस अवसर पर लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन इस त्यौहार कॉटन का कपड़ा खरीदना महंगा सौदा इस बार हो सकता है। वही कॉटन से बने कपड़े की कीमत बढ़ने का फायदा टेक्सटाइल कंपनी को मिल सकता है। वही यहाँ पर ग्रासिम और रेडीमेड जैसी गारमेंट्स कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 6% कम एरिया में कपास की बुआई हुई है। वही उत्पादन उम्मीद से कम होने के चलते कपास की कीमतों में तेजी आई हुई है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी का किसानों को बड़ा तोहफा, समर्थ लोगों का बिजली बिल भरेगी सरकार, कटे कनेक्शन फिर होंगे बहाल। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। वही CM का कहना है कि बिजली का बिल न भरने की वजह से जिन लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं उन्हें जल्द ही यहाँ पर बहाल किया जाएगा। वही चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि बिजली का अधिक बिल आने से हमारे किसान भाई उसका भुगतान नहीं कर पाते, अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब के CM ने कहा है कि जो लोग बिजली का बिल भुगतान करने में असमर्थ है सरकार उनका बिल यहाँ पर भरेगी। वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के CM ने ऐलान किया है कि 2 किलोवाट की समर्थता वाले लोगों का बिजली बिल माफ यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन भी यहाँ पर किया जाएगा। वैसे CM ने बताया है कि इसका लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को एक प्रक्रिया का फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। इसको फॉलो यहाँ पर करना होगा। वही राज्य में तकरीब 53 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वही सरकार ने इसके लिए करीब 1200 करोड़ रुपए सरकार की ओर से खर्च यहाँ पर किए जाएंगे। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट। उदय ने आधार कार्ड होल्डर्स के लिए किया है बड़ा बदलाव। वेरिफिकेशन फीस 20 रुपए से घटाकर की है 3 रुपए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने अपने कस्टमर्स के लिए आधार वेरिफिकेशन को लेकर चार्ज थे उसको यहाँ पर कम कर दिया। अब वेरिफिकेशन के लिए 20 रुपए की जगह सिर्फ 3 रुपए आपको देने होंगे। आपको बता दें कि उदय की इस पहल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न सेवाओं और लाभ के जरिए लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए उसकी ढांचागत सुविधा का फायदा यहाँ पर उठाए। वही NPCI और IMMA की तरफ से यहाँ पर आयोजित ग्लोबल फाइनेंस फास्ट को एड्रेस करते हुए उदय के CEO सौरभ गर्ग ने कहा है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में आधार का फायदा उठाने की अपार संभावना है। वही बात कर लेते हैं जॉब रिलेटेड एजुकेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की, तो तमिलनाडु में 1 नवंबर से खुलने जा रहे कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के स्कूल, मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। देश के कई राज्यों में बड़ी कक्षाओं के स्कूलों को खोलने के बाद छोटी कक्षाओं के स्कूलों को भी खोला जा रहा है। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने COVID-19 गाइडलाइन के साथ कक्षा 1 से लगाकर 8वीं की कक्षाएं फिर से खोलने का फैसला किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि राज्य में 1 नवंबर से कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में यहां पर COVID-19 गाइडलाइन को अनिवार्य रूप से पालन कराने के लिए कहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में सितंबर महीने में कक्षा 9 से लगाकर 12वीं तक के स्कूल फिजिकल मोड में खोला गया था। वही 21 सितंबर से ये स्कूलें खुली थी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से अभियान चलाकर स्कूली शिक्षकों का टीकाकरण भी यहाँ पर किया गया था। वही अब कक्षा 1 से लगाकर 8वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला एक्सपर्ट पेरेंट्स और एजुकेशनिस्ट के सुझाव पर विचार करने के बाद यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर ये फैसला लिया गया है। वही मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि लंबे समय से स्कूल बंद होने के चलते बच्चों में तनाव बढ़ने लगा था। वही चिकित्सा विशेषज्ञ और अभिभावकों और शिक्षाविदों से इस बात को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। इसके बाद छोटी कक्षाओं की स्कूलों को खोलने का निर्णय यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर लिया गया है। स्कूल जरिए ओपन को लेकर एक और बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में फिर खुलेंगे नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल। कोरोना वायरस महामारी की वजह से बंद नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को दिल्ली में फिर से खोला जाएगा। वह दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
नए चरणबद्ध तरीके से 1 नवंबर से फिर से नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का ऐलान किया है। वही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से बुधवार को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वे दिशा निर्देशों के अनुसार पहले कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्र स्कूल जाएंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही स्कूलों यहाँ पर चलेगी। वही बात करते हैं देश भर के कोरोना अपडेट की, तो लगातार दूसरे दिन भारत में 20,000 से नीचे नए आए केस। 24 घंटों में 18,870 नए मामलों की हुई है पुष्टि। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच लगातार 2 दिन से नए मामलों की संख्या 20,000 से कम है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 18,870 नए मामले भारत में सामने आए। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 378 लोगों की कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। मंत्रालय ने अपडेट में कहा है कि जानकारी दी है कि यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 28,778 लोग रिकवर होकर घर लौटे हुए। मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना के 2,82,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। वही 3,29,86,000 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वही मंत्रालय ने बताया कि 4,47,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है अब तक कोरोना के कारण भारत में। वही देश में फिलहाल कोरोना के कुल पुष्ट मामलों की संख्या 3,37,16,151 हो चुकी है। वही देश में अभी तक कोरोना रोधी जो टीका है उसके 87,67,00,000 के आसपास खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देशभर में कल 54,13,000 से अधिक लोगों को कोरोना के टीके हैं वो लगाए गए हैं। वही केंद्र सरकार के कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 18 साल से अधिक आयु वर्ग के पात्र लोगों को टीका लगाने के कारण यहाँ पर मतलब टीका लगाने के चरण की शुरुआत यहाँ पर मई महीने से की गई थी। वही छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 24 घंटों में 19 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी यहाँ पर कोरोना के केसों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 1,630 और कर्नाटक में 729 केस नए मामले सामने आए हैं। वही यूपी में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई, 18 नए केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वही महाराष्ट्र में 2,844 नए मामले सामने आए, 60 लोगों की मौत केवल महाराष्ट्र में हुई है। वही मध्य प्रदेश में अभी तक यहाँ पर कोविड रोगी के टीके के 4 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर टीके लगाए जा चुके हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो मुंबई और कोलकाता में भारी बारिश, गुजरात सहित देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया है जारी। चक्रवात गुलाब के असर से देश के कई राज्यों में भारी बारिश हुई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अब पश्चिमी तट पर पहुंचने के बाद इसके मजबूत होने के आसार है। वही मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि उत्तर भारत के राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वही IMD ने अगले 2 दिन के दौरान गुजरात और उत्तरी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में उठ रहा एक और तूफान भारत के पश्चिमी किनारों के समुद्र तट से नहीं टकराएगा। यह महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तटों से दूर होकर ही 1 अक्टूबर से ओमान की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन इसके वजह से महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री किनारे वाले हिस्सों में बरसात यहाँ पर तेज होने के आसार जताए गए हैं। वही बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात पश्चिम बंगाल और उसके करीब यहाँ पर पहुंच गया है। इसके वजह से यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है उसका उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी और पश्चिमी मदीनापुर और झाड़ग्राम और हावड़ा हुगली और पूर्वी पश्चिमी बर्धमान और वीरभूमि जिलों में सुबह तेज बारिश यहाँ पर हो रही थी। वही कोलकाता के एहटिला में भारी बारिश के चलते एक मकान का कुछ हिस्सा यहाँ पर ढह गया, जिसमें 3 से 4 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र कोंकण में तेज बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने आज मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज हवा चलने के साथ साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। वही मौसम विभाग का कहना है कि यदि जरूरत ना हो तो लोग घर से बाहर ना निकले। वही महाराष्ट्र में पिछले 13 दिनों से बारिश से कई मौतें यहाँ पर हो चुकी है। वही गुजरात के भरूच और भावनगर और डांग में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन यहाँ पर भी बहुत प्रभावित हो रहा है। वही बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो SBI की इस स्कीम में अब मार्च 2022 तक कर सकेंगे निवेश, मिलेगा 0.80% ब्याज। भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सावधि जमा योजना को फिर से यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है। वही मई 2020 में देश की टॉप लेडर्स ने यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए SBI VCare सीनियर सिटीजन टर्म्स डिपॉजिट स्कीम की घोषणा यहाँ पर की थी, जो शुरू में सितंबर 2020 तक थी, लेकिन COVID-19 महामारी के बीच स्पेशल FD योजना को कई बार यहाँ पर बढ़ाया गया। वही बैंक ने इस साल मार्च के अंत तक इसे अगले साल के मार्च के अंत तक इसे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज यहाँ पर मिलता है। VCare स्कीम में सीनियर सिटीजन को आम फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज से
0.80 यानी 0.80% ज्यादा ब्याज यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल SBI फिक्स डिपोजिट पर अधिकतम 5.4% ब्याज यहाँ पर दे रहा है।